हाय गाइस, वेलकम टू ट्रिपिंग विद वरुण। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30। आई हैड सम फ्री टाइम, सो मैंने सोचा कि ना आज थोड़ा माइंड रिलैक्स करें, थोड़ा राइड पे होकर आए, थोड़ा घूम कर आए, थोड़ा मैगी पॉइंट तक चलते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा आज का एक्सपीरियंस। और आज मैं आपको लेके चलता हूँ मेरा जो फेवरेट मैगी पॉइंट है देहरादून में, जहाँ मैं एक्चुअली बहुत बार जा चुका हूँ। तो जब भी मुझे थोड़ा रिलैक्स करना होता है, थोड़ा 2-3 घंटे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है, समटाइम्स यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ एज वेल। तो चलते हैं, थोड़ा माइंड रिलैक्स करते हैं, थोड़ा घूम फिर कर आते हैं, कुछ खा पी कर आते हैं। तो लेट्स इस मोड़ पर आते ही जो है हवा बिल्कुल चेंज रहती है, बिल्कुल चिल्ड रहती है हवा। चल रहे हैं, अभी रास्ते में ही है, राइड का मज़ा ले रहे हैं। बहुत सूदिंग होता है ये एक्सपीरियंस। आराम आराम से अपना चलो, ठंडी ठंडी हवा एंजॉय करो और राइड का मज़ा लो। अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। यह है देहरादून का जू, यह है देहरादून जू। बचपन में आया था मैं यहाँ पे पहले एक बारी, इसको डियर पार्क बोलते थे, इसका नाम चेंज कर दिया है। तो बनाऊंगा यहाँ पे भी, एक बार जाऊंगा मैं अंदर ना, इसका भी एक बारी वीडियो शूट करके आऊँगा, देखूँगा क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, कौन से नए जानवर की एंट्री हुई है, देखेंगे, मिलकर आएंगे। थोड़ा शेर शूट अगर है अंदर तो देखेंगे। लास्ट टाइम जब मैं गया था एक शेर भी तो थी वहाँ पे। बाकी देखो कौन कौन से नए उन्होंने जानवरों की एंट्री करी है अंदर। जल्दी आऊँगा यहाँ पे, तो फिलहाल तो चलते हैं, ऐसे निकलते हैं। चलो फिर मिलते हैं आगे, लेट्स गो। Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. ये सोसाइटीज बनी हुई है यहाँ पे मसूरी रोड पे। मेगा काउंटी देख लो, ये छोटे छोटे वो लगे हैं, सिन्हा सोडा कॉर्नर। तो रुक गया हूँ मैं यहाँ पे सिन्हा सोडा कॉर्नर पे, तो एक अंकल से सोडा लेते हैं। अंकल कौन कौन सा है आपके पास? सोडा वाली है, सोडा वाली शिकंजी है, पानी वाली शिकंजी है। शिकंजी कैसी है, खट्टी मीठी है? हाँ खट्टी मीठी। मुझे सॉल्टी चाहिए, सॉल्टी में क्या आपके पास? तो एक काम करो आप ना, सोडा ही बना दो, ठीक है? जी सर। हाँ मीठा वगैरह मत डालना उसमें, मीठा नहीं डालना, ठीक है। सोडा रेडी है भाई, ऑलमोस्ट ले लीजिएगा सर। रेडी है जी सर, चलो ले लेते हैं। अपना हकुना मटाटा आ चुका है, नाम मैंने आपको बता दिया है। We are almost there. हॉस खास कैफे, ये कब खुल गया? लेट्स गो टू हकुना, ये आ गया अपना हकुना मटाटा। गली में चांद निकला, ओहो
बड़ी अच्छी एंट्री करी है। सही बोल रहे हो, बड़े दिनों बाद आया हूँ देख लो भाई, एंट्री दिखाता हूँ मैं आपको। अकोला उडाटा की ऊपर टेरेस भी है, ऊपर है टेरेस पे कोई तो पहले टेरेस दिखाया था आपको। लेट्स गो। ये जो है रूफ टॉप पे भी इनका सिटिंग है, देख लो भाई ये है सिस्टम यहाँ का। इनके रूफ टॉप का सिस्टम है, सही है, बढ़िया है। हकुना मटाटा कुल्लड़ वाली चाय भी मिलती है। व्यू देख लो यार, सर पीछे को दिखाता है इधर व्यू। ये यहाँ के इनके रूफ टॉप से नीचे का व्यू है, देखो एक बारी। वाव अमेजिंग। रूफ टॉप से व्यू देख लिया अभी आपने, अब चलता हूँ मैं नीचे। आई एम गोइंग टू सिट हेयर फॉर एन आवर, आई हैव कॉफ़ी, आई ईट समथिंग एंड आई रिलैक्स माई माइंड, उसके बाद निकलते हैं। चलो देन। गोभी, गोभी के पकोड़े, फिर गोभी, ये क्या है? मिक्स वेज खाना ही मिलता है यहाँ पे? अच्छा ये है गोभी। अच्छा चलो मैं नीचे जा रहा हूँ, एक तो आप मेरे लिए बढ़िया से ना कॉफ़ी भिजवा दो, बाकी मैं खाने का ऑर्डर दे रहा हूँ आपको, ठीक है? ये होगी भाई यहाँ से इसकी एंट्री। ये है इनका रूफ टॉप आपने देख लिया, और ये है इनका फर्स्ट सेटअप। एंट्री करते ही यहाँ पे देख लो, 1 2 3 तीन सेट टेबल चेयर इधर लगे हैं, तीन इधर, ठीक है। लाइट्स वगैरह देख लो कैसी इनकी, बढ़िया है। शाम को तो बहुत सही माहौल होता है यहाँ पे। भैया ने पीछे जो गाने लगा रखे हैं थोड़ा अवॉइड करना। चलो कोई नहीं। अब ये यहाँ से नीचे स्टेयर्स, ये है यहाँ से व्यू, खाली पड़ा है। रीज़न बीइंग एक तो टाइम थोड़ा वैसा है, दूसरी चीज़ वीकडे है, तो अभी 5 बज रहे हैं, ठीक है। देख लो यहाँ से भी सेटअप, यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ, शायद मेरी वीडियोस में कहीं ना कहीं दिखी जाएगा। स्वीट टॉकर्स कैफे, ठीक है, यहाँ से भी देख लो। ये वही व्यू है जो रूफ टॉप से था, लेकिन ये नीचे है, तो यहाँ बैठते हैं। हाय गाइस, तो फाइनली
पहुंच चुका हूं मैं नीचे जहां मैं हमेशा बैठता हूं, और कॉफ़ी ऑर्डर मैंने कर दी है। कॉफ़ी मेरी आ चुकी है बट थोड़ी ठंडी हो रही है, तो कॉफ़ी पीऊँगा, उसके बाद आई ईट समथिंग, उसके बाद थोड़ी देर में मैं निकलता हूँ यहाँ से। और सोडा भी बहुत टेस्टी था, सोडा पिया मैंने, बहुत टेस्टी था, लेकिन एक हो गई थी ट्रेजेडी वहाँ पे। आई एक्चुअली फॉरगॉट टू विड्रॉ कैश फ्रॉम द एटीएम, तो मैंने रियलाइज़ नहीं करा कि मेरे पास कैश ख़त्म हो चुका है। फॉर्चुनेटली जो साथ वाली दुकान थी उन्होंने हेल्प कर दी, उनको मैंने पेटीएम कर दिया और उन्होंने जो है सोडे वाले अंकल को जो है पैसे दे दिए, तो वो सीन हो गया सॉर्ट। लेसन ये है कि कल को यहाँ पर आओ तो टोटली जो है आप डिजिटल वॉलेट्स पे डिपेंडेंट ना हो, पेटीएम, फ़ोन पे या कोई भी, और थोड़ा बहुत कैश हमेशा लेके चलो, क्योंकि हर जगह पे जो है यहाँ पे पेटीएम वगैरह जो है नहीं लेते लोग, मोस्टली जगह पे लेते हैं बट हाँ थोड़ी छोटी मोटी जो शॉप्स होती हैं वो लोग नहीं लेते हैं, तो थोड़ा ये ध्यान रखना कल को कभी आओगे तो। बाकी अब मैं कॉफ़ी इन्जॉय करता हूँ, थोड़ा म्यूज़िक सुनता हूँ और थोड़ा अपना माइंड रिलैक्स करता हूँ, थोड़ा चिल मारता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। चलो, ठंडी हो गई है कॉफ़ी थोड़ी, तो नाउ आई कैन हैव इट। इट्स गुड, कॉफ़ी हो, म्यूज़िक हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, अच्छा वेदर हो, अच्छा व्यू हो, तो इट ऑल ब्रिंग्स पॉजिटिविटी। सो चीयर्स टू पॉजिटिविटी। यहाँ से अब हो चुका है मेरा निकलने का सीन। आई हैड कॉफ़ी एंड आई हैड स्प्रिंग रोल्स, तो आई हैव स्पेंट लाइक एन आवर हियर, सो नाउ इट्स टाइम टू लीव। ये शाम का भी देख लो, इट्स ऑलमोस्ट 6:30। निकलते हैं घर के लिए, बाकी मिलते हैं जल्दी। This is the evening view. 6:30. I'm actually coming down now. It was nice. I spent like an hour over there. Baki total jo overall jo aane jaane ki journey aur wahan time spend karne ki journey jo hoti hai, that is approximately 2 to 3 hours. And it's quite refreshing. Relaxing and yeah, it's good. Every now and then, you know, I come here, but I did not record this earlier, but yeah, this time around I thought of recording it and show it to you guys. So if you like the video, then please subscribe to my channel on YouTube, Trippin' with Varun.